हे गाइस वेलकम टू डिजिटल बॉस और मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। तो दोस्तों आज की इस अपडेट में हम आपको बताने वाले हैं यहां पर जो Redmi Note 5 Pro जिनके पास भी है उनके लिए न्यू अपडेट आ चुका है स्टेबल जिसका नाम है MIUI 9.6.5.0 जिसमें आपको मिला है यहाँ पर Android Oreo, साथ में आपके लिए बहुत सारे फीचर आए हैं और क्या क्या जैसे फीचर आए हैं उन सभी की जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आज की हमारी वीडियो शुरू लेकर अंत जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो पास वाले बेल का आइकन आएगा आप उस पर क्लिक कर देना है ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Redmi Note 5 Pro के लिए पहले Android Oreo का अपडेट आ चुका था लेकिन अब ये जो न्यू अपडेट आया ये आया है Redmi Note 5 वालों के लिए। यहाँ पर स्टेबल अपडेट आया जिसमें मैं आपको मिल रहा है Android Oreo 8.1। यहाँ पर आपको फेस अनलॉक भी आ गया है, साथ ही आपके मोबाइल में पोर्ट्रेट मोड भी आ चुका है। तो और यहाँ पर दोस्तों आप फेस अनलॉक का मजा उठा सकते हैं साथ। तो दोस्तों अगर आपके पास भी Redmi का Note 5 है तो आप अभी अपने मोबाइल के सेटिंग ऐप में जाइए। सेटिंग ऐप में जाने के बाद आप जाइए अपने अबाउट फोन में जाकर सिस्टम अपडेट में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपके लिए ये अपडेट आया है या नहीं आया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर डिवाइस नेम Redmi Note 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड वर्जन 8.1.0 आया है और यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच है वो हमें मिला है 5/8/2018 का और आप देख सकते हैं ये Redmi Note 5 है और ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तो दोस्तों बात आती है यहाँ पर अब फेस अनलॉक की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगर जब आप जाएंगे सेटिंग में फेस डाटा में तो आप यहाँ पर मैनेज फिंगरप्रिंट के नीचे ऐड फेस डाटा लिखा हुआ देख सकते हैं। आप यहाँ पर आप अपने मोबाइल का जाने अपने फेस का डाटा डाल सकते हैं और अपने फेस से अपने मोबाइल को यहाँ पर अनलॉक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात आ रही है। तो दोस्तों अगर आपको अपडेट नहीं मिला है तो आपको चिंता करने कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोस्तों अभी लगभग 55% लोगों को मिल चुका है और लगभग 45% लोगों को नहीं मिला है। तो जल्दी ही ये अपडेट आपको देखने को मिलेगा अपने मोबाइल में। अगर नहीं अपडेट मिलेगा आपको तो आपको चिंता करने कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोस्तों मैं आपको लिंक दूंगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ये वाली जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फाइल आपकी 1.6 GB की। तो दोस्तों जो मैं लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में तो आपने क्या करना है इसे डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद में आप अपने सिस्टम अपडेट में जाकर इसे अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों ये है जो अपडेट है ये एक फुल रोम है, ये कोई मिनी रोम नहीं है। जाने के अगर आप पहले किसी पुराने वर्जन पर हैं जैसे कि MIUI 9.6.4.0 तो उसके लिए मिनी रोम मिल जाती है लेकिन दोस्तों मैं आपको मिनी रोम नहीं दूंगा क्योंकि मिनी रोम बहुत बहुत सक्सेसफुल नहीं रहती है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ फुल रोम। तो आपने इस फुल रोम को फ्लैश कर देना है और ये आप सारे फीचर का मजा उठा सकते हैं। और दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपडेट निकल कर आया है क्योंकि आप बहुत दिनों से यहाँ पर एंड्रॉइड ओरियो का और फेस डाटा का और पोर्ट्रेट मोड जो आपके मोबाइल में नहीं आ रहा था उन सभी का इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों अगर आपके पास Redmi Note 5 है तो आप इस अपडेट कर सकते हैं। अगर आप सबसे पहले अपनी सेटिंग में चेक कर लीजिए, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहाँ पर जाइए इसे डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप इसे फ्लैश कर सकते हैं। तो दोस्तों यही से जानकारी जो आज Redmi Note 5 वालों के लिए खुशखबरी की बात है। तो दोस्तों अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप मिलते हैं अगली वीडियो साथ में, तब तक आपका दिन शुभ रहे। We'll be right back.